समय तुम्ही बस स्विम के लिए जाते आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मम्मी अपने काम से बहुत अच्छी और जी वीडियो मैंने शुरू की और मम्मी मेरी जो है ना रोना स्टार्ट हो गई है तो मिलते हैं मम्मी से बात करते हैं। ऐसा जो मम्मी मैंने अपनी सलाह दी है आज का जो ब्लॉग जो है आप लोगों को बता दूँ कि मेरा ब्लॉग जो है ना बालों के ऊपर है और मैं बालों को क्या लगाती हूँ क्या यूज़ करती हूँ आज मैं आपसे वो सब शेयर करूँगी और जल्दी जल्दी से जो जो जिसके पास पेंसिल कापी है जल्दी से लिख लो और बहुत इजी तरीके आप घर बैठे हुए अपने बालों पे यूज़ कर सकते हो बालों पे लगा सकते हो बना भी सकते हो। तो जी मैं अपने बालों पे जो चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा ऑयल है जो मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया है और ये मैं बालों में यूज़ करती हूँ काफ़ी ये बोतल इतनी सी भरी थी जो मैंने अपने बालों पर यूज़ की है। तो जी इसमें कौन कौन सा ऑयल है क्या क्या चीज़ मैंने ऐड की है वो जल्दी से आप अपनी पेंसिल के पेन में बिठा लें या अपनी कॉपी पेंसिल में ले के उसमें लिख लें और सबसे पहले तो इसमें सरसों का तेल है फिर कड़वा तेल है जिसको तारामीरा बोलते हैं और बहुत पहले भी मैंने दो बार आप लोगों से ये वीडियो बनानी है मुझे वैसे कि मैंने बोला आप लोग उसमें शेयर करूँ ताकि आपको पता चले बालों पर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है और कैसे बाल बढ़ता है कितना लंबा बाल होता है कितना घना होता है मजबूत होता है। तो सबसे पहले आप सरसों का तेल लेंगे फिर आप तारे मीरे का तेल लेंगे कड़वा तेल जिसको बोलते हैं और आप इसको अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें सूखी मेथी जो मोटे दाने होते हैं उसके वो और इसमें आप कलमंजी डाल के उसको अच्छे से पका लेंगे। जब आप 10 से 15 मिनट उसको अच्छे से पकाते रहेंगे तो अपने चूल्हे को हल्की आँच में कर दें तेल के साथ ताकि वो अच्छे से पकता जाए और उसका कलर जो ना थोड़ा सा डार्क हो जाए जैसे कि बिल्कुल डार्क हो जाए और तेल जो है उन चीज़ों में जज्ब हो जाए। तो आप इसी तरह उसको बनाएंगे आप अपने बालों पर अप्लाई करें आपको अगर लगा के रात को सोना है तो लगा के सो जाएं अगर दिन में आपको रखना है तो आप 1 से 2 घंटा रख सकते हैं। अगर आपने पूरा दिन रखना है उसके 5-6 घंटे रखने हैं तो आप रख सकते हैं कोई इशू नहीं है। अगर आप कहीं जॉब पे जा रहे हो या आपको लगाना बहुत ज़रूरी है आपके बाल गिर रहे हैं या इसके कोई इशू है तो आप ये बना के इजी से लगा सकते हैं जैसे कि मैंने भी अपने बालों पर ये भी यूज़ करती हूँ और मैं मुझे काफ़ी इससे फर्क पड़ा है माशाल्लाह से मेरे बाल भी आप लोगों ने देखे हैं और ये कि मैं इसके ऊपर कोई केमिकल यूज़ नहीं करती कोई कुछ नहीं लगाती और ये है कि बहुत इजी तरीके आप घर बैठे अपने घर पे ये चीज़ें बना सकते हो अपनी सर पर अप्लाई कर सकते हैं इससे बाल बढ़ता भी है घना भी होता है और बाल आपका आता भी है। तो आप ये चीज़ें बना के यूज़ करें आपके लिए बहुत बेस्ट होगा और इससे बाल मोटा होता है मजबूत हो जाए। अगर किसी को कोई बाल झड़ने का इशू बाल पड़ता नहीं है तो उसकी भी वजह आप मैं बता दूँगी अगली वीडियो में। तो जो भी है जो किसी ने पूछना बालों के बारे में उससे बिना झिझक पूछ सकते हैं या डाई के बारे में पूछना हो पूछ सकते हैं रिपोर्टिंग के बारे में पूछना हो पूछ सकते हैं इसका जवाब मैं आपको दूंगी क्योंकि मैं ब्यूटिशियन हूँ आप देख सकते हैं मेरे नीचे जाकर वीडियो में काफ़ी टाइम जो की है। तो अभी मैं घर पर होने की वजह से तो इस वजह से मैं जॉब नहीं कर रही तो इस वजह से बाकी ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की ये तेल आप देख रहे हैं इसमें अभी भी कलमंजी के दाने हैं इसमें मेथी दाना भी है और आप कलर इसका देख सकते हैं तेल का बिल्कुल डार्क ब्लैक हुआ। आप अच्छे से इसको पकाएंगे मुझे मैसेज पर बताएं और अपना बाल जो है जिनको इशू है बढ़ता नहीं है तो आप हर महीने थोड़ी सी ट्रिमिंग करते रहे अपने बालों की बिल्कुल हल्की सी ट्रिमिंग करते रहे तो आपका बाल मजबूत भी होगा लंबा भी होगा घना भी होगा और बढ़ेगा। ठीक थी आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों से लिए शेयर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं बटन को जरूर प्रेस कीजिए। ओके अल्लाह हाफिज़।